हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज प्लेन्स। टुडेज टॉपिक इज प्लेन्स। हियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्लेन, हाउ प्लेन फॉर्म्ड, यानी प्लेन क्या होते हैं, प्लेन कैसे फॉर्म होते हैं, और यूजफुल ऑफ प्लेन्स वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। हियर स्टूडेंट्स, प्लेन्स के लिए द फ्लैट लो लाइंग एरिया, द फ्लैट लो लाइंग एरिया आर नोन एज प्लेन्स। यानी जो फ्लैट एरिया होता है, जैसे लाइक अ टेबल, टेबल इज अ फ्लैट। यानी जो हमारी प्लेन अर्थ होती है, क्या है ये प्लेन्स, तो यहाँ पर इस प्रेजेंट में, यानी जो एरिया, यानी यहाँ एग्रीकल्चरल होता है या जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, मोस्ट पॉपुलेशन जो रहती है वो प्लेन एरिया में ही रहती है स्टूडेंट्स। यानी जो फ्लैट, यानी फ्लैट जो चपटा होता है, जैसे हमारा टेबल होती है इस टाइप का, और लो लेइंग एरिया यानी नाइदर अ प्लेटू और माउंटेन, यानी ना कि माउंटेन, यानी ना माउंटेन और प्लेटू की तरह, उसकी तरह नहीं होता वो, केवल एक लो लेइंग एरिया होता है फ्लैट टाइप, और वही एरिया कहलाता है प्लेन कहलाता है। हियर स्टूडेंट्स, अब प्लेन देखिए, प्लेन मोर देन, यानी 200 प्लेन्स आर अबाउट 200 मीटर अबव द सी लेवल। यानी सी लेवल होता है हमारा, उससे अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स एबव होते हैं ऊपर में, कुछ ज़्यादा भी होते हैं तभी तो कहते हैं अप्रॉक्स, यानी अबाउट, लगभग 200 मीटर्स के आसपास क्या होते हैं ये, इनकी हाइट्स होती है। बट एंड यानी ऊंचे होते हैं सी लेवल से। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, प्लेन्स इस तरह फॉर्म होते हैं रिवर्स के द्वारा और ट्रिब्यूटरीज। ये ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो हेल्पिंग रिवर्स होती हैं, जैसे जो बड़ी जो लार्ज रिवर होती हैं उनकी छोटी, उनकी सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, जैसे आपकी गंगा रिवर है। अब गंगा रिवर की जो हेल्पिंग रिवर हैं, जैसे यमुना है, गंडक है, कोसी है, ये क्या है, ये यमुना गंगा की हेल्पिंग रिवर है, यानी ये रिवर उसी में ज्वाइन हो जाती है। यानी जो बड़ी रिवर में जो स्मॉल रिवर होती हैं वो उसमें ज्वाइंट हो जाए, जैसे गंगा रिवर में, गंगा रिवर में ये आपकी यमुना जैसे रिवर, यमुना रिवर ज्वाइन हुई कहाँ पर आके, इलाहाबाद में आके, तो ये क्या हो गई, यमुना रिवर जो हो गई वो गंगा की ट्रिब्यूटरी हो गई। तो ये जो रिवर्स होती है क्या बनाती हैं, मतलब प्लेन्स फॉर्म करती हैं। रिवर्स फ्लो फ्रॉम हाई एलिवेशन, यानी तो ऊपर से, यानी हाई एलिवेशन यानी ऊंचाई से आती हैं, लाइक माउंटेन टाइप्स, माउंटेन एरिया से आती हैं। कैरी सैंड, सिल्ट एंड क्ले विद देम, यानी अपने साथ सिल्ट लेके आती हैं, जैसे ऊपर से जो वाटर का स्पीड आ रही है, बहाव आ रहा है, तो अपने साथ में क्या ले आती हैं, अपने साथ में सैंड, सिल्ट, यानी ये सब चीज़ वो क्ले, यानी जो मिट्टी होती है वो लेके आती हैं, यानी वाटर के बहाव में। वेन रिवर रीच द लो लेइंग एरिया, यानी जब ये जो रिवर होती हैं, जैसे ये रिवर है आपकी, मानी ये माउंटेन है आपका, ठीक है स्टूडेंट, ये माउंटेन है। अब कोई रिवर यहाँ पर ग्लेशियर है, मान लीजिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है इस एरिया में यहाँ पर, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, यानी यहाँ से ओरिजिनेट, जैसे ये प्लेन में आती है, ऐसे करके प्लेन में आती है, तो यहाँ से ये एरिया जो आता है इसका, यानी यहाँ से लेके आती है सिल्ट, क्ले और ये सैंड लेके आती है अपने यहाँ से, ऊपर से यहाँ से क्या लेके आती है, सिल्ट यानी क्ले सब चीज़ लेके आती है ऊपर से ये, और वाटर इनमें फ्लो किया जाता है। जब ये यहाँ प्लेन में पहुँचती है, जब ये इधर प्लेन में आती है, तो इनमें क्या होता है, ये सैंड और ये सब यहाँ पर छोड़ जाती हैं, यानी ये बार बार जब ऐसी जो प्रोसेस होती है, और तभी क्या होते हैं प्लेन जो है वो फॉर्म होते हैं, यानी लगातार यहाँ से। अब ये होता क्या है, इन्हें ये जो माउंटेन से जो ग्लेशियर से रिवर निकलती हैं वो पेरिनियल रिवर होती हैं। पेरिनियल का मतलब होता है कि उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर बहता रहता है, यानी लगातार वाटर बहता रहता है, तो इस टाइप से ये प्लेन फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी जब ये प्रोसेस लगातार होती रहती है तभी क्या होते हैं डिपोजिशन फॉर द प्लेन, यानी तभी जो प्लेन है वो फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए सम लार्जेस्ट प्लेन, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं, इनके मुहाने, इनके आसपास एरिया में क्या है प्लेन्स हैं। इंडिया में, चाइना में देखिए यांगजी रिवर यानी फ्लोइंग द क्या, यानी प्लेन फॉर्म, यानी ये रिवर फॉर्म करती है। अब यूजफुल देखिए, प्लेन्स आर यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, यानी प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है। देखिए 80%
पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डूइंग एग्रीकल्चर इन प्लेन एरिया, यानी सॉरी 80% 80% पॉपुलेशन नहीं 80% रॉन्ग बोल दिया स्टूडेंट मैंने, 80% ऑफ द वर्ल्ड्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑब्टेन फ्रॉम द प्लेन, यानी 80% जो एग्रीकल्चर है वो किस एरिया में प्रोड्यूस की जाती है, प्लेन एरिया में जो क्या है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जाती है। तो अब जैसे जो प्लेन्स एरिया है, देखिए गंगा इंडस रिवर, यानी इंडस गंगा रिवर, इंडस यानी जो इंडस रिवर है वो गंगा गंगा रिवर इंडिया में, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है इंडिया में, हुआंग प्लेन इन चाइना, मिसिसिपी प्लेन यानी नाइल रिवर, यानी ये रिवर जो है लार्जेस्ट रिवर है, ये प्लेन फॉर्म करती है, यानी इनसे प्लेन्स बनते हैं, ये फॉर्म करती हैं और इनके आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। अब देखिए अबाउट 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन, यानी 90% जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, 90% जो पॉपुलेशन है वो प्लेन में ही रहती है। अब स्टूडेंट देखिए 90% रहती है, अब इसके क्या देखिए, जैसे अब ये जो अब देखिए इसमें है क्या कि ये क्या करते हैं, इट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड्स, यानी अब यहाँ पर क्यों रहती है प्लेन एरिया, क्योंकि अब देखिए जैसे ये एग्रीकल्चर यहाँ फॉर्म करते हैं तो एग्रीकल्चर क्या है, डिपोजिशन होता है, तो इनके साथ में ये फर्टाइल सॉइल लेके आते हैं, जो अपर लेयर ऊपर से लेके आते हैं दूसरे एरिया से, और जब जहाँ ये छोड़ते हैं तो वहाँ का एरिया क्या हो जाता है, फर्टाइल हो जाता है, यानी सॉइल जो है वो फर्टाइल हो जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट है, और इसीलिए लोग प्लेन्स एरिया में मोस्टली लिव इन द प्लेन्स एरिया। अबाउट 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन, अबाउट 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन प्लेन्स, यानी वर्ल्ड की 90% अप्रॉक्सीमेटली 90% पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन, यानी प्लेन कहाँ रहती है, प्लेन्स में रहती है। सो स्टूडेंट अब ये रीजन है कि बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल लैंड्स, सो पीपल मोर देन लिव इन 90% पीपल लिव इन प्लेन्स, एंड ऑल्सो इंडस्ट्रियल एरिया इस्टेब्लिश इन प्लेन एरिया। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।